Hello friends, today we will discuss on non-ferrous alloys. This is our lecture number 6 on non-ferrous alloys. As usual, the same question is there, what is an alloy? जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि alloy का मतलब क्या है, मैं ये question हर एक lecture में repeat करता हूँ because ये फ्यूचर में आप जब इंजीनियर बन जाएंगे उसके बाद में उसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए. ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स, मतलब कोई नया मेटल आपने बनाया उसमें आपने एक जो ओरिजिनल मेटल है उसके अंदर दूसरा या दो से ज़्यादा कुछ मेटल ऐड किया और जो भी मेटल बनता है that is known as the alloy. बहुत important है topic यहाँ पे कि metallic elements, non-metallic elements आप add करेंगे तो जो भी बनेगा उसको alloy बोल नहीं सकते. मतलब कोई भी metal के अंदर आपने दूसरा या दो से ज़्यादा कुछ metallic element mix किया है और जो नया metal मिलता है उसको उसको आप alloy बोल सकते हैं. नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो आप alloy नहीं बोल सकते हैं. उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो ओरिजिनल मेटल है तो उसका जो स्ट्रेंथ है तो आप alloy बनाने के बाद में उसका स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है और दूसरा उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव होता है. तो जो दो बड़े इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है एलोई बनाने का, दैट इज़ यू कैन इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ओरिजिनल मेटल एंड इम्प्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस. सो एलोई बनाने का फ़ायदा ये है. अगेन ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स इज नोन एज एन एलोई. द सेकेंड क्वेश्चन, वट इज नॉन फेरस. नॉन फेरस का मतलब क्या है, जैसे हर एक मेटल में कार्बन होता है, फेराइट मटेरियल होता है, आयरन मटेरियल मतलब फेराइट मतलब Fe होता है. तो अगर किसी भी मेटल में फेराइट एलिमेंट उसका एप्रिसिएबल अमाउंट से ज़्यादा होता है तो उसको आप फेराइट और फेरस मटेरियल बोलते हैं. लेकिन अगर वो फेरस या फेराइट मटेरियल एप्रिसिएबल अमाउंट से कम होता है या सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम होता है तो उसको आप नॉन फेरस एलॉयज बोलते, नॉन फेरस मटेरियल बोलते हैं. मतलब तो जो भी मेटल में फेरस का परसेंटेज 1% से कम होता है तो दैट इज़ नोन एज ए नॉन फेरस मेटल. और कोई भी मेटल में उसका फेराइट, उसका मतलब फेरस का मटेरियल 1% से, फेराइट 1% से ज़्यादा होता है तो आप उसको बोल सकते हो फेरस मटेरियल, और 1% से कम होता है उसको आप बोल सकते हो नॉन फेरस मटेरियल. बाय डेफिनेशन इन मेटलर्जी ए नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉयज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल मेटल को ही बोलते हैं. अगर आपने कोई एलॉय बनाया है और वो एलॉय में अगर उसका फेराइट मटेरियल या फेराइट का परसेंटेज एप्रिसिएबल अमाउंट से कम होता है तो वो एलॉय भी, एलॉय को भी आप नॉन फेरस एलॉय बोल सकते हो, बराबर. सो इन मेटलर्जी ए नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉय दैट डज नॉट कंटेन आयरन या फेराइट इन एप्रिसिएबल अमाउंट. व्हेन ए मेटल इज डिफाइंड एज नॉन फेरस इट मीन्स that it does not have a significant amount of iron in its chemical composition. Not the word significant. Significant means उसमें हर एक मेटल में आपका फेरस तो, फेराइट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर significant मतलब मैंने जैसे define किया था 1% से कम. Nearly all metals alloys have some traces or non-significant amount of iron in their composition. This does not make them ferrous alloy through. Non-ferrous alloys generally have
iron compositions of less than 1% as measured by weight. जैसे मैंने बताया कि non ferrous जो material होता है या non ferrous alloys होता है उसमें ferrite या iron तो होता ही है, लेकिन वो 1% से कम होता है. उसी को आप non ferrous metal या non ferrous alloy आप बोल सकते हो. Now, types of non-ferrous alloys. जैसे मैंने पहले भी बताया था, aluminium, copper, nickel, lead, titanium, tin, zinc and cobalt. ये जो भी metal है, उसके non-ferrous alloys बन सकते हैं. और non-ferrous alloys मतलब aluminium, aluminium के साथ में आपने कुछ दूसरा material add किया, तो एल्यूमिनियम का एलॉय बना. सेम वे कॉपर में आपने दूसरा मटेरियल ऐड किया तो कॉपर का एलॉय बना. सेम वे हर एक में, निकल में, लीड में, टिटानियम में, टाइटिन में, जिंक में, कोबाल्ट में, और हर जगह पे आपने और दूसरा मटेरियल या दो से ज़्यादा मटेरियल, मेटालिक मटेरियल ऐड किया और जो नया मटेरियल बनता है दैट इज़ नोन एज द एलॉयज. सॉरी. नाउ लिमिटेशन ऑफ ferrous and its alloys. जैसे कि non-ferrous alloys बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो basically एक सिद्धांत आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसी का disadvantage होता है तभी से कुछ न कुछ वहाँ से innovation start होता है. कहीं से कोई limitation होता है वहाँ से कुछ नया आप modification कर सकते हो हर एक चीज़ में. जैसे आप बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, और कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी वर्कपीस है, अगर इसका कुछ लिमिटेशन है तो आप उसमें कुछ नया ऐड करके, मॉडिफाई करके आप उसको नया बना सकते हो. सेम वे यहाँ पे कुछ फेरस मटेरियल्स के कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस के कारण नॉन फेरस एलॉयज बनाने की ज़रूरत पड़ी. तो फेरस के लिमिटेशन कौन से, तो उसका डेंसिटी हाई है. डेंसिटी हाई है उसका मतलब क्या हुआ कि बाय वेट या उसका मास ज़्यादा है, सो दैट उसका वेट ज़्यादा है. तो फेरस या उसके एलॉयज से अगर आप कुछ कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा. तो वेट कम करने के लिए हमने नॉन फेरस के एलॉयज बनाए. दूसरा उसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या था, तो कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो फेरस एलॉयज या फेरस मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर टू नॉन फेरस एलॉयज से कम है. सो टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल या ऑफ द वर्कपीस, वी हैव डिजाइन ए और वी हैव डेवलप ए नॉन फेरस एलॉयज. एंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज टू corrosion in certain environment. मतलब जो भी ferrous या उसके alloys होते हैं उसका corrosion comparatively non-ferrous से fast होता है. That means उसका life span compared to non-ferrous alloys कम होता है. So ये तीन जो बड़े disadvantage है उसके कारण हमको non-ferrous alloys बनाने की ज़रूरत पड़ी. कौन से, high density, मतलब ये फेरस मटेरियल से आप कुछ भी वर्कपीस बनाएंगे तो उसका वेट ज़्यादा होता है. दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर टू नॉन फेरस एलॉयज उसका कम है. और थर्ड वन द इम्पोर्टेंट वन इज द कोरोजन रेजिस्टेंस उसका कम है. नॉन फेरस एलॉयज का कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा है. सो दैट कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल थोड़ा इम्प्रूव होता है. ये तीनों जो कारण है उसके कारण नॉन फेरस एलॉयज बनाने की जरूरत पड़ी. नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एलॉय. तो मेटल एलॉय के दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक तो फेरस बेस मेटल मेटल एलॉय और नॉन फेरस बेस. फेरस बेस में उसमें बेस मेटल कौन सा होता है, आयरन होता है. नॉन फेरस में कोई भी हो सकता है नॉन फेरस मटेरियल. नॉन फेरस का दूसरे दो पार्ट है, स्टील एंड कास्ट आयरन. नॉन फेरस के लाइट एलॉयज एंड हैवी एलॉयज. सो बेसिकली हम ये चैप्टर में जो भी नॉन फेरस के लाइट एलॉयज है उसके ऊपर
डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हो वो टिन है। टिन के जो जो उसका है वो हम प्रॉपर्टीज़ और उसका एप्लीकेशन वो हम देखेंगे, और दूसरा बेयरिंग मटेरियल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे लाइट नॉन फेरस एलॉय दैट इज टिन। तो पहले तो टिन का प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम जानेंगे। तो टिन का प्रॉपर्टीज़, इसका एटॉमिक नंबर इज 50 है। बाय सिंबल इट इज डिनोटेड बाय SN। सिंबल उसका जैसे कभी भी गलती आपकी हो सकती है, TI का सिंबल आप टिन का सिंबल आप TI बता सकते हैं। सो उसमें थोड़ा चेंजेस है, उसका सिंबल है SN, उसका एटॉमिक नंबर है 50। उसका डेंसिटी है 7.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उसका डेंसिटी 7.3 ग्राम, मतलब क्या हुआ कि 7.3 ग्राम, अगर आप एक सेंटीमीटर लंबाई वाला, एक सेंटीमीटर हाइट वाला और एक सेंटीमीटर चौड़ाई वाला टिन का मटेरियल लेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका मास आपको 7.3 ग्राम्स मिलेगा, बराबर। दैट इज नोन एज ए डेंसिटी। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका कलर है वाइट या सिल्वर वाइट, और रेजिस्टेंस टू कोरोजन बहुत वो अच्छा होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसका प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर 50, सिंबल SN, टिन का सिंबल SN, डेंसिटी 7.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड, कलर वाइट या सिल्वर वाइट, एंड कोरोजन रेजिस्टेंस इज वेरी गुड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टिन। टिन का बेसिकली एक उसमें थोड़ा डिटेल में आप टिन देखें तो क्या है, तो टिन इज अ केमिकल एलिमेंट बिलोंगिंग टू कार्बन फैमिली। इट इज सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल, वाइट या सिल्वर वाइट मेटल विद ए ब्लूइश टिंज। मतलब ब्लूइश टिंज मतलब आप उसको एटमोसफियर में लाएंगे तो उसके ऊपर ब्लूइश कलर थोड़ा लग जाता है ड्यू टू सम ऑक्सीडाइजेशन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एनवायरमेंट। सो टिन इज ए केमिकल एलिमेंट बिलोंगिंग टू कार्बन फैमिली। इट इज सॉफ्ट एंड सिल्वर वाइट या वाइट इन कलर, नोन टू बी एंशियंट इन ब्रोंज। मतलब ये जो ब्रोंज एज था, अब जैसे तीन एज थे ना, उसमें स्टोन एज, ब्रोंज एज, वो जो एज था वहाँ से ये उसका जो भी डिस्कवरी हुआ वो वहाँ से हुआ, और बेसिकली एन एलॉय विथ कॉपर, वो कॉपर के साथ बहुत अच्छा एलॉय बनाता है। टिन इज वाइडली यूज फॉर प्लेटिंग स्टील कैंस यूज एज फूड कंटेनर्स इन मेटल्स यूज फॉर बेरिंग्स एंड इन सोल्डर। टिन के जो बड़े टिन उसका यूज है, कहाँ से उसका एप्लीकेशन है, दैट इज नंबर वन एज ए प्लेटिंग ऑन द स्टील। और वो कहाँ पे यूज होता है, तो फूड कंटेनर्स जो होते हैं, मतलब फूड इंडस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरा उसका जो मेटल जो टिन का होता है वो बेरिंग बनाने में यूज़ होता है, और थर्ड बिगेस्ट यूज इज फॉर द सोल्डरिंग पर्पस। ये था बेसिक उसका टिन के लिए उसका डिटेल्स। तो टिन का एप्लीकेशन क्या है, सो प्योर टिन इज यूज इन इलेक्ट्रो टिनिंग एज एलोइंग एलिमेंट। जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना है वहाँ पे इलेक्ट्रो टिनिंग, प्लेटिंग मतलब टिनिंग, जो टिन से होता है इसलिए उसको टिनिंग बोलते हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। टिन इज यूज फॉर मेकिंग रैपिंग फॉइल्स एंड कोलेप्सिबल ट्यूब्स। जैसे फूड इंडस्ट्री में आपका रैपर्स होता है और जो कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती है वहाँ पे भी ये टिन का यूज होता है। टिन इज यूज विथ अदर मेटल एज ए सोल्डर एलॉय। अब सोल्डरिंग का काम करना है, कोई सर्किट बनाते हैं वहाँ पे सोल्डरिंग का काम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे टिन यूज होता है। टिन एलॉय कॉल्ड पेवटर
इज़ यूज इन कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स में एक टीन का जो एक टाइप है, एलोय का टाइप है पेवटर, वो कैंडलस्टिक में उसका यूज़ होता है। एंड टीन एलोइज आर ऑल्सो यूज फॉर द बेरिंग्स, बेरिंग बनाने में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वहाँ पर भी उसका यूज़ होता है बेरिंग मटीरियल। दूसरा जो हम देखेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आज हम टीन और बेरिंग मटेरियल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो टीन का जो मैंने बात बताया, अभी वी विल डिस्कस ऑन द बेरिंग मटेरियल। बेरिंग मटेरियल क्या है? दिस आर एंटी फ्रिक्शन मटेरियल्स यूज एज रोटेटिंग शाफ्ट फोल्डर्स एंड सपोर्टर्स। बेरिंग मटेरियल कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर एंटी फ्रिक्शन मटेरियल का यूज़ करने का है वहाँ पर होता है। दिस आर रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, engines and or any rotating and reciprocating parts। जहाँ पे reciprocating मतलब left जाना right जाना या ऊपर जाना या नीचे जाना, that is known as a reciprocating। और rotating मतलब घूमने का, ये जहाँ पे ये जो parts बनता है वहाँ पे bearing material का सबसे ज़्यादा use होता है। अभी bearing material, तो जैसे हम बात करेंगे तो पहले उससे पहले बात देखेंगे कि बेरिंग का टाइप्स कौन सा है या क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग। तो स्लाइडिंग बेरिंग, स्लाइडिंग बेरिंग जैसे मैंने बताया, तो जो रेसिप्रोकेटिंग वाला पार्ट जो था, दैट इज़ नोन एज ए स्लाइडिंग बेरिंग। रोलिंग, दैट इज़ रोटेटिंग। और थ्रस्ट बेरिंग, कि जहाँ पर उसको एंगल चेंज करना है या उसके ऊपर लोड कुछ ज़्यादा आता है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है बेरिंग के। नाउ ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, उसके ऊपर से हम डिस्कस करेंगे कि बेरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। इफ़ द रोटेटिंग पार्ट्स आर प्रॉपरली लुब्रिकेटेड, जो भी अब हम सबको पता है कि जहाँ पे भी रोटेशन होता है वहाँ पे लुब्रिकेशन का यूज़ होता है। क्यों होता है? तो जब रोटेशन होता है तो वो फ्रिक्शन भी थोड़ा होता है, फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है। टू अवॉइड ऑल दिस थिंग we need to have some lubrication। So if the rotating parts are properly lubricated, the bearing and shaft can work without any problem। जब तक ये lubrication हमने रखा हुआ है या उसमें डाला हुआ है, तब तक ये जो भी bearing के shaft है, bearing and shaft can work without any problem। However, if insufficient quantity of lubricant is used, अगर लुब्रिकेशन हमने पूरा नहीं किया है या अपूर्ता है या कम है, तो क्या होगा? एक्सेसिव हीट इज जनरेटेड एंड वियर्स ऑफ सरफेस अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट बेरिंग्स। मतलब अगर हमने उसमें लुब्रिकेशन ठीक तरह से नहीं किया है या जो भी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से क्या होगा? हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने से कारण उसका वियर और टीयर होगा या उसमें ब्रेकेज आएगा। देयरफॉर ए बेरिंग मटेरियल शुड एसेंशियल पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसके कारण बेरिंग मटेरियल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वाली होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन, शुड हैव ए हायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इट शुड नॉट गेट डिफॉर्म अंडर वर्किंग हैवी लोड्स। उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड नॉट गेट डिफॉर्म अंडर वर्किंग हैवी लोड्स। अगर कुछ रोटेटिंग पार्ट्स है उसके ऊपर लोड जनरेट होता है, और लोड जब हैवी होता है तो उसका कॉम्प्रेशन होता है, और ये जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो उसका लाइफ हमको अच्छा मिल सकता है। सेकेंड वन, इट शुड बी हार्ड इनफ एंड वियर रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ। उसका हार्डनेस अच्छा होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंस उसका अच्छा होना चाहिए, उससे क्या होगा, हमको उसका लाइफ लंबा मिल सकता है। इट शुड हैव इनफ प्लास्टिसिटी एंड डिफॉर्मेबिलिटी टू सस्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट। अगर कोई भी शाफ्ट के अंदर हमने कोई बेरिंग फिट किया है तो क्या होगा, अगर जो बेरिंग का मटेरियल है तो शाफ्ट का मटेरियल सेम नहीं होता है, साफ्ट का मटेरियल उससे थोड़ा इन्फीरियर मतलब साफ्ट का वियर रेजिस्टेंस जो होता है उसका वियर रेजिस्टेंस कम होता है, बेरिंग का वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ये साफ्ट में कुछ डिफ्लेक्शंस आते हैं,
तो जो डिफ्लेक्शन आते हैं वो डिफ्लेक्शन अगर बेयरिंग मटेरियल वो अगर एब्जॉर्ब करती है तो वो अच्छा है। तो शाफ्ट का डिफ्लेक्शन जितना भी है वो डिफ्लेक्शन बेयरिंग मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर देनी चाहिए। एंड जैसे मैंने ये उसका बेस्ट एग्जांपल दो तो क्या है कि अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो उसके जम्पर से रोड में खड्डे आते हैं तो वो आपका व्हील भी अप एंड डाउन होता है और आपका ब्रेक में उसका इम्पैक्ट आता है। टू अवॉइड दैट इम्पैक्ट क्या करें यार, उसमें जम्पर लगाए। जम्पर क्या करता है, ये जो भी इम्पैक्ट आता है वो आपको बॉडी को पास ऑन नहीं करता है, वो जम्पर वो ले लेता है, उसके कारण आपके बैक में या बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं आता है। अगर जम्पर अच्छी क्वालिटी के नहीं है या जम्पर का लाइफ ओवर हो गया है तो क्या होगा, वो जम्पर सफिशेंटली एफिशेंटली काम नहीं करेगा और वो जो लोड है वो आपको बॉडी को पास ऑन करेगा तो आपको बैक पेन हो सकता है। बराबर, ये मैंने आपको समझाया बेयरिंग का शाफ्ट और बेयरिंग का मटेरियल के रिलेशन में। फोर्थ वन, इट शुड हैव हाई फटिक स्ट्रेंथ, उसका फटिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। फिफ्थ, इट शुड एग्जिबिट एंटीसाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब एंटीसाइजिंग मतलब उसका साइज चेंज नहीं हो जाना चाहिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, तो टेम्परेचर के कारण उसका एक्सपेंशन बहुत कम या नहींवत होना चाहिए। सिक्स वन, इट शुड पजेस बेटर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर हीट डिसिपेशन, मतलब जो हीट जनरेट होता है वो हीट वो एब्जॉर्ब कर देना चाहिए और हीट के कारण उसका एक्सपेंशन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द सेवंथ, इट शुड हैव इनफ कोरोजन रेजिस्टेंस, अगर कोई ये जो असेंबली है शाफ्ट और बेयरिंग का कोई ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है तो उसके ऊपर सी में है या कहीं दूसरी जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोरोजन जल्दी होता है तो बेयरिंग मटेरियल का जो कोरोजन है वो उसका रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू रिटेन ऑयल एंड सरफेस, अगर आप लुब्रिकेशन करते हैं तो बेयरिंग के सरफेस के ऊपर आप लुब्रिकेशन के तौर पे कुछ ऑयल लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऑयल वो बेयरिंग का मटेरियल जो है उससे से अलग हो जाए, वो सरफेस पे वो उसका चिटका रहना जरूरी है तभी आपको उसका लुब्रिकेशन का इफेक्ट मिल सकता है। इट शुड हैव ए गुड मशीनेबिलिटी, अगर आपको कुछ नया मटेरियल नया बेयरिंग्स बनाना है या कुछ भी बनाना है उसमें चेंजेस करना है तो उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और मेटलर्जिकली इट शुड हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट फेस, उसमें हार्ड या सॉफ्ट दोनों फेस में वो अच्छा होना चाहिए। ये थी बेयरिंग की प्रॉपर्टीज। उसके नेक्स्ट में दो क्वेश्चन जो आपको उसको आंसर देना है। नंबर वन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ टिन, एंड सेकंड वन, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बेयरिंग मटेरियल। ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। थैंक यू।